नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम आज आलेखन बनाना सीखेंगे और आलेखन में हम कमल के फूल के साथ बहुत ही आसान तरीके के साथ एक सुंदर सा आलेखन बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमको अपने पेज को उल्टा कर लेना है। सबसे पहले उल्टा करने के बाद हमें इस प्रकार से एक बिंदु रखना है और इस बिंदु के इधर हमको फूल बनाना है कमल का। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा यू बनाएंगे, इस प्रकार से बन जाएगा सभी का। फिर इसको हम इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको भी हम इस प्रकार से बना लेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस प्रकार से लाइन बनानी है दोनों साइड में। एक इधर लाइन रहेगी, एक इधर रहेगी, दोनों बराबर रहनी चाहिए। अब फिर दो लाइनें और बनाएंगे। इन लाइनों की जो लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। फिर सेम उसी प्रकार की लाइन हम इधर भी बनाएंगे, ठीक है। फिर एक इधर लाइन बनाएंगे, फिर एक इधर बनाएंगे, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक लाइन को इस प्रकार से मिला देना है, हल्का सी आकार देना है। प्रत्येक लाइन को हम इसी प्रकार से मिला देंगे। बहुत आसान तरीका है, अगर आप करके देखेंगे तो ज़रूर कर पाएंगे। ये हमारा कमल का फूल बन गया और इसके निचला हिस्सा बनाएंगे हम। कमल की कुछ कलियां जो है नीचे की तरफ खिलती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती हैं बाद में, तो उनको हम बना लेते हैं। तो सेम वही तरीका रहेगा, हम इसको जो है इस प्रकार से लाइनें बनाएंगे सिर्फ, और इन लाइनों को इसमें हम मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, दो लाइनें और बनानी है इस प्रकार, और इसको इस प्रकार मिलाना है और इसको इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, इसको सीधा इस प्रकार से ला करके हम मिला देंगे। ये हम डंठल बना लेंगे। इस प्रकार से अब हमें क्या करना है, इसमें हम जो है कलियां बनाएंगे। सो एक कली हम यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से, तो बना लेते हैं। इसको हम इस प्रकार से हल्का गोल करके मिलाएंगे, और जैसे कि धनुष होता है इस प्रकार से एक लाइन बनाएंगे और एक लाइन हम इस प्रकार से बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इस प्रकार ला करके बीचों बीच में छोड़ देना है। इधर भी हम लाइन को ले जा करके बीचों बीच में छोड़ देंगे। बाकी कुछ नहीं करना है, हमें सीधा रखना है सेम ऐसे, और इसको भी बीचों बीच में ला के छोड़ेंगे हम, और इससे मिला करके हम इस प्रकार से इसको मिला देंगे ले जा करके, और इसको इस प्रकार से ला करके मिला देंगे। इसमें बीचों बीच में हम गोल गोल इस प्रकार से बनाते हुए चले जाएंगे। जो बीच का बड़ा रहेगा साइड के छोटे हो जाएंगे, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको बीचों बीच में हमें इस प्रकार से तीन बनाते हुए चले जाने, एक फिर इस प्रकार, और इसमें भी हम गोल गोल बनाते हुए चले जाएंगे इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर का सिरा बनाएंगे और इसको थोड़ा सा और क्रिएटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी इस प्रकार से पत्ती बनाएंगे, और यहाँ पर भी हम इसके आगे इस प्रकार से गोल करके पत्ती बना लेंगे, और इसमें भी हम थोड़ा सा क्रिएटिव ढंग से इस प्रकार से बना देंगे। अब थोड़ा यहाँ पर हमको बनाना है, तो यहीं से हम निकाल देते हैं और इसी प्रकार से हम निकाल करके इसको हल्का सा गोल कर देंगे। गोल करने के बाद थोड़ी सी हमको एक कली बनानी है यहाँ पर इस प्रकार, और इस कली के साइड में इस प्रकार से हम दो पत्तियां बना देंगे,
अब यहाँ की पत्ती जो बनेगी वो थोड़ा सा यहीं से बनानी है और इसकी ऊपर से ही बनानी है, इस प्रकार से इसको हल्का सा ला करके राउंड कर देना है। अब जैसे ये पत्तियाँ बनाई हैं वैसे सेम पत्तियाँ यहाँ पर बनाएंगे हम इस प्रकार से। अब हम इधर बनाएंगे तो इसकी कली जो है सेम बिल्कुल हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये हमने बनाई, इस प्रकार से मोड़ेंगे और इसको इस प्रकार ला करके छोड़ देंगे, धनुष के आकार का हम बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको अंदर ले जाते हुए इस प्रकार से छोड़ते हुए चले जाना है। अब इधर से ले जा करके छोड़ेंगे और इसको मिला देंगे आपस में। यहाँ पर हम एक गोल लाइन बना लेंगे और इसको जो है हम डबल कर देंगे। अब इसमें हम इसी प्रकार से राउंड करते हुए बनाते हुए चले जाएंगे जिससे दोहरी पत्ती लगेगी इस प्रकार से। और यहाँ पर भी हम सेम जो उधर हमने बनाया था सेम वैसा ही प्रोसेस करके हम बनाते हुए चले जाएंगे इस प्रकार। अब हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा सा लग रहा है तो यहाँ थोड़ी सी हम डिज़ाइन करते हैं जिससे और खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करके इस प्रकार से ला करके छोड़ेंगे और इस प्रकार से कली बना देंगे यहाँ पर छोटी सी, बहुत ही प्यारी लगेगी। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, कमल की पत्तियाँ बनानी है जैसे कि कली में हम बनाते हैं सेम वैसे ही इस प्रकार। और यहाँ पर भी हम सेम उसी प्रकार से बनाते हुए चले जाएंगे इस प्रकार। अब आप देख रहे होंगे जैसा कि हमारा आलेखन लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर हम क्रिएटिव में देंगे जिससे और भी अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से हम मोड़ेंगे और इसको इस प्रकार से हम मिलाते हुए चले जाएंगे। अब यहाँ भी हमको बनाना है और इसमें इस प्रकार से पत्तियाँ निकाल देनी इस प्रकार से। ये ध्यान रखना है बराबर निकालनी है पत्तियाँ हमें, जितनी बराबर निकालेंगे हम उतना ही खूबसूरत लगेगा इस प्रकार से। थोड़ा बाहर शोर ज़्यादा होता रहता है उधर ध्यान नहीं देना है आप लोगों को इस प्रकार से। अब हमारा आलेखन बन करके तैयार हो गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें बीच में छोटे छोटे डाल देने अगर आप चाहें तो इसे कलर भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ बनाना सिखाया है। हमारा ये वीडियो जो था आलेखन बनाने पे था तो सो इसलिए हमने सिर्फ बनाना सीखा है, बाकी अगर कलर करना है तो आगे देखेंगे। और अब हम यहीं पर अपने वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आगे भी आप हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते रहेंगे। धन्यवाद।